हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ दीपमाला ब्लॉग एंड रेसिपी में। आपका स्वागत है। आधा केजी मैंने मिठाई ली है। आज मैं बना रही हूँ सोट मिठाई की, जो हम लोग पकौड़ी से समोसे से जिससे घर पे भी कोई पकौड़ी वगैरह उससे हम लोग जो खाते हैं वो सोट बना के दिखा रही हूँ आज मैं। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन कर दी है, भगोना मैंने रख दिया है, गैस को भी जला रही हूँ मैं, और मैंने एक छोटा भगोना रख दिया है। अब ये सारी मिठाई को जो मैंने छोटा छोटा करके रखा था इस भगोने में मैं डाल दूंगी। ग्लास हम इसमें डाल देंगे पानी, बस ज़्यादा नहीं डाला, आधा ग्लास डाला, आधा मैंने रोक दिया है। सारी मिठाई मैं इसमें डाली, मिठाई जो है मेरी अच्छे से उबल रही है, इसलिए नहीं पूरी तरह मेल्ट नहीं हुई। देखिए अब इसको थोड़ा सा जो है अब मेल्ट हो गई है। अब इसको हम उतार देंगे ठंडा होने। एक कटोरी मैंने लमसम इमली ले ली है, इसको भी मैं क्या काम करूँगी, उबाल लूँगी। देखिए एक कटोरी इमली है, अब गैस की तरफ चलते हैं। इस इमली को इस फ्राई पैन में डाल देंगे, तोड़ देंगे बिल्कुल हाथों की सहायता से। अब इसमें भी थोड़ा सा पानी डाल के आपको उबाल लेनी है, थोड़ा सा हमें पानी डाल देना बस। अब इसको अच्छे से उबाल, मेरी अच्छे से उबल गई है। देखिए अब क्या काम करेंगे, जो हमने मिठाई उबाल के रखी थी अब उसको छानेंगे। मैंने छन्नी लगा दी है, अब जो मिठाई मैंने उबाल के रखी थी उसको मैं छान दूंगी। देखिए छन गई थी कुछ, अब इसको मैंने छान दिया है। अब मेरी इमली ठंडी हो जाए उसको भी छन्नी लगा दी है मैंने। अब मैंने जो इमली उबाली थी उसको छान लूंगी। ये मैंने इमली भी छान के रख ली है और ये मैंने मिठाई भी छान के रख ली। अब हम चलते हैं गैस की। मैंने अब इसमें मैं थोड़ा सा लगाऊंगी सरसों का तेल और इस तेल को मैं होने दूंगी। हमारा हो चुका है, अब मैंने मिठाई छान के रखी थी वो मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैंने सोंठ भी छान के रखी थी, अब इसमें मैं डालूंगी आधा चम्मच सेंधा नमक, आधा चम्मच मुझे सादा नमक डालना है, आप काला नमक भी, ये सादा नमक है, आधी छोटी चम्मच काली लाल मिर्च, भुना हुआ जीरा कुटा हुआ, आधा चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ धनिया। अब इसको खूब अच्छे से चला देंगे और कम से कम इसको दो खौले आने तक खूब अच्छे से खौल रही है। कम से कम आपको सौंपने के बाद 5 मिनट तक खूब अच्छे से खौला है। बिल्कुल मेरी तैयार है, अब इसको मैं निकाल लेती हूँ एक बाउल में। सोट बिल्कुल मेरी तैयार है, अब इस सोट को मैं ठंडी होने के लिए रख दे रही हूँ और ठंडे होने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। फ्रेंड्स सोट मेरी बिल्कुल तैयार है, 1 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया। देखिए है कितनी अच्छी बनी है। अब मैं इसको आपको कटोरी में भी करके दिखाती हूँ। अगर आज आपको मेरी इमली और मिठाई की सोट पसंद आई हो, इसको आप पकौड़ी से समोसे से जिससे भी खाना चाहे खा सकते हैं। अगर आज आपको मेरी सोट पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बाय।